और वही पाठ्यक्रम में बदलाव पर यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हैं। मैम, आज एक बड़ा फैसला लिया गया है, 50 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ वीर सावरकर जी का भी जो है पाठ्यक्रम में बढ़ाया गया है, कोर्स में बढ़ाया गया है। कैसे इस फैसले के बारे में कुछ अपने बताएं। अब से लगभग 60 साल पहले एक पुस्तक चलती थी हमारे पूर्वज, उसमें जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर होते थे, जितने भी महान विभूतियां होती थी, सबका जीवन चरित्र उसमें होता था और बच्चे पढ़ते थे और उसके संबंध में पूरी जानकारी रखते थे और उनके अंदर देशभक्ति की भावना आती थी, समाज के प्रति सद्भाव की भावना आती थी। उसी आधार पर, ये नैतिक शिक्षा के आधार पर ही हमने इनको 50 महान पुरुषों का जीवन चरित्र इसमें रखा है, जिसमें एक वीर सावरकर जी भी है। वीर सावरकर जी को लेकर के विपक्ष हमलावर है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे विद्यालय चल रहे हैं, मुस्लिम विद्यालय चल रहे हैं, उनके ऊपर भी विपक्ष हावी हुआ था कि ये विद्यालय जो है इनके साथ में छेड़छाड़ क्यों की जा रही है। उसका जवाब समाज ने ही उनको दे दिया कि जिस प्रकार से हमारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, उसी प्रकार से वो जो उनके विद्यालय हैं उनके बच्चे भी बने, एक संकुचित विचारधारा में ना रहें, केवल अपनी कुरानों तक ही सीमित ना रहें, मुल्ला मौलवियों तक ही सीमित ना रहें, समाज का और ज्ञान भी उनको आना चाहिए। अपने धर्म के प्रति तो आसक्त रहें, वो अलग बात है कि अपने मजहब के प्रति मजबूत रहें, लेकिन जो महान हमारी विभूतियां हैं उनके बारे में भी बहुत जानें। तो उसमें भी उन्होंने हल्ला मचाया था, आज वीर सावरकर जी के बारे में भी वो हल्ला मचा रहे हैं। थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी, वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं।